टू आर सेटिस्फाइज द कंडीशन एक्स स्क्वायर इन टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स टू दी पावर फोर देन एफ ऑफ एक्स इज, एफ एक्स का वैल्यू बताना है। देखो एक्स स्क्वायर इन टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स टू दी पावर फोर है, हम लोग को फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, इसीलिए इसमें एक्स के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे वन माइनस एक्स। जब एक्स को एक्स वन माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये जो इक्वेशन वन है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे वन माइनस एक्स से, तो ये होगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ वन माइनस एक्स। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ वन माइनस एक्स है ना, तो वन माइनस ऑफ वन माइनस एक्स, तो वन माइनस वन प्लस एक्स, एक्स आता है तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में टू इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स टू दी पावर में फोर, क्योंकि एक्स टू दी पावर फोर है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स, इतना होगा प्लस, और ये तो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये कितना होगा देखो टू माइनस टू एक्स माइनस। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का पावर फोर का जो बाइनोमियल कॉफिशेंट होता है वो होता है वन फोर सिक्स फोर वन, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अभी देखो वन माइनस एक्स टू द पावर फोर है, पहले वन होगा माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस माइनस चलता जाता है, तो वन माइनस फोर एक एक्स आ जाएगा, फिर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस फोर एक्स टू द पावर थ्री आएगा, प्लस एक्स टू द पावर फोर आएगा, ये हो गया एक्स एक्सपेंशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो टू माइनस वन ये वन होगा, माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी पावर में फोर, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन टू। अब हम लोगों को फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है ना, तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स हटाना है, एलिमिनेट करना है, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से, वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखते हैं इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर को वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर में फोर, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स, इतना होगा प्लस। अब इसको इंटू करेंगे वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस एक्स है, तो वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स। अब इसको इंटू करेंगे टू एक्स माइनस एक्स टू दी पावर फोर से, इधर लिखते हैं तो टू एक्स को वन से इंटू करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू दी पावर में थ्री माइनस एक्स टू दी पावर में फोर प्लस टू एक्स टू दी पावर में फाइव माइनस एक्स टू दी पावर में सिक्स, ये होगा। अब देखो इसको हम लोग इक्वेशन थ्री मानते हैं, इक्वेशन थ्री, अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को सबट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा, यहाँ ही माइनस आएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ वन माइनस एक्स का कॉफिशियंट वन माइनस टू एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एफ ऑफ वन माइनस एक्स का कॉफिशियंट वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ भी है एफ ऑफ एक्स यहाँ भी है, तो क्या बचेगा, देखो एफ ऑफ एक्स अगर कॉमन लेते हैं एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे तो वन है ना और ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी पावर में फोर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कट जाएगा, उसके बाद और क्या कटेगा, ये एक्स टू दी पावर फोर माइनस में एक्स टू दी पावर फोर प्लस में, ये भी कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद और सब बचेगा, देखो यहाँ पे वन है तो वन लिखते हैं,
एक्स वाला टर्म तो कट गया ना, एक्स स्क्वायर देखो माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब वाला टर्म देखो प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब, तो बचा प्लस टू एक्स क्यूब। अब माइनस टू एक्स टू दी पावर में फाइव प्लस एक्स टू दी पावर में सिक्स, ये बचा ना। तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स निकाल सकते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर में सिक्स माइनस टू एक्स टू दी पावर में फाइव प्लस टू एक्स टू दी पावर में थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये होगा। और डिवाइड में ये लिखते हैं माइनस एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये होगा। अब इसको हम लोग फाइंड करने के लिए डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड करके हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे कितना आएगा। देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखते हैं एक्स टू दी पावर सिक्स माइनस टू एक्स टू दी पावर में फाइव प्लस टू एक्स टू दी पावर में थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और यहाँ है माइनस एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और डिवाइड करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स में लगाएंगे तो ये होगा माइनस एक्स टू दी पावर में सिक्स। अब इसको टू एक्स क्यूब को इंटू करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस टू एक्स टू दी पावर में फाइव होगा, ठीक है, प्लस एक्स टू दी पावर में फोर होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। सबट्रैक्ट करते हैं तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस टू एक्स, अच्छा ये भी कट जाएगा, और एक्स टू दी पावर फोर माइनस बचेगा ना, माइनस एक्स टू दी पावर में फोर प्लस टू एक्स क्यूब, अब माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये साइन प्लस हो जाता है ना, ठीक है, ये प्लस हो जाता है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही यहाँ पे है डिवाइजर, तो प्लस वन टाइम्स में लग जाएगा। प्लस वन टाइम्स में लगाएंगे तो माइनस एक्स टू दी पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो दिस इक्वल टू, जब डिवाइड लगा रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो बी ऑप्शन में है। ओके।